नमस्कार, न्यूज स्टोरी नेटवर्क के उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। इस खास बुलेटिन में हम आपको खबरों के साथ साथ हर रोज उत्तराखंड की एक जानी मानी हस्ती के बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। उत्तराखंड के 3 जिलों के कार्यों की सीएम त्रिवेंद्र की समीक्षा, अधिकारियों को दिए समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश। तपोवन में जारी है लापताओं का रेस्क्यू ऑपरेशन, रेस्क्यू टीमों की सुरक्षा के लिए लगा स्पेशल अलार्म सिस्टम। देश के किसानों के लिए एसबीआई ने शुरू की मल्टीपर्पज स्कीम, योनो ऐप से अप्लाई करने पर मिलेगा फायदा। यूरोप में होने वाले बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अपने मुक्के का दम दिखाएंगे उत्तराखंड की लक्की, खेलेंगी दूसरा इंटरनेशनल टूर्नामेंट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत जिलों की मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा की। बैठक में सभी विधायक वर्चुअल माध्यम से जुड़े। बैठक में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने सीएम घोषणाओं को निर्धारित समय पर पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। सीएम ने हर महीने कार्य की समीक्षा करने की भी बात कही। कार्यों में तेजी लाने के लिए उन्होंने तीनों जिलाधिकारियों को 15 दिनों में घोषणाओं की कार्य प्रगति की समीक्षा करने के निर्देश दिए। खबर चमोली में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन की। चमोली आपदा के बाद तपोवन में रेस्क्यू ऑपरेशन को 1 सप्ताह से अधिक समय बीत चुका है। अब तक 55 शवों को रेस्क्यू टीम ने बरामद कर लिया है। इनमें से 29 शवों की पहचान की जा चुकी है। वहीं 100 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। एनटीपीसी ने सुरंग में 135 मीटर से अधिक तक मलबा हटा दिया है। शवों को सावधानी पूर्वक निकाला जा रहा है। रेस्क्यू टीमों की सुरक्षा के लिए उत्तराखंड राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल ने आपदा प्रभावित रैणी गांव में पानी का स्तर बढ़ने का पता लगाने के लिए एक अलार्म सिस्टम भी लगाया है। पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर केंद्र और राज्य सरकार नजर बनाए हुए। खबर एसबीआई के मल्टीपर्पज गोल्ड लोन स्कीम। देश के किसानों के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने मल्टीपर्पज गोल्ड लोन स्कीम की शुरुआत की है। एसबीआई की इस स्कीम का मकसद कृषि कार्य से जुड़े लोगों की ऋण जरूरतों को पूरा करना है। इस स्कीम में वो उद्यमी भी कवर होते हैं जिन्हें मशीनरी, भू विकास, सिंचाई, बागवानी, कृषि उत्पाद के परिवहन आदि के लिए विशेष ऋण की जरूरत होती है। अपनी नजदीकी एसबीआई शाखा में जाकर आप इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। वहीं योनो ऐप से इस लोन के लिए अप्लाई करने पर बैंक आपको 0.25% का अतिरिक्त फायदा भी देगा। दोस्तों, न्यूज स्टूडियो नेटवर्क आपको हमेशा अपडेट करता रहता है, इसीलिए आप वीडियो को देखने के साथ एक लाइक जरूर कर दें, जिससे हम आपको आपकी तरक्की से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। खबर यूरोप में होने वाले बॉक्सिंग चैंपियनशिप की। यूरोप के मॉन्टेनेग्रो में होने वाली यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में उत्तराखंड की बेटी लक्की राणा का चयन हुआ है। लक्की इंटर की छात्रा है जो दूसरी बार इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भाग लेने जा रही है। यूरोप में ये चैंपियनशिप 16 फरवरी यानी आज से 22 फरवरी तक चलेगी। लक्की को इस चैंपियनशिप के लिए उत्तराखंड बॉक्सिंग संघ समेत उनके कोच भूपेश भट्ट ने शुभकामनाएं दी। उत्तराखंडी शख्सियत में आज हम आपको बताने जा रहे हैं मदन मोहन उपाध्याय के बारे में। मदन मोहन उपाध्याय उत्तराखंड के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वह लोगों में कुमाऊं टाइगर के नाम से प्रसिद्ध थे। उनका जन्म 25 अक्टूबर 1910 को द्वाराहाट में हुआ। उनकी प्राथमिक शिक्षा द्वाराहाट और नैनीताल से पूरी हुई, जिसके बाद वो इलाहाबाद चले गए। यहाँ 4 साल स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संपर्क में रहने के बाद मदन मोहन भी आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। 16 साल की उम्र में वह पहली बार 1 साल के लिए जेल गए। 1936 में अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो रानीखेत आए। यहाँ वे रानीखेत कंटोनमेंट बोर्ड के उपाध्यक्ष भी रहे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में मदन मोहन उपाध्याय को अल्मोड़ा के मासी गाँव से गिरफ्तार किया गया, जहाँ वे पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गए। उनके नाम 1000 रुपये का इनाम भी रखा गया। 1944 में उनको डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट में गैर हाजिरी पर 25 साल की कालापानी की सजा सुनाई गई। देश की आज़ादी के बाद 1952 में मदन मोहन उपाध्याय सोशलिस्ट पार्टी की ओर से भारत के उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा में विधायक बने। इस दौरान उन्होंने कई विकास कार्य भी अपने क्षेत्र के लिए। 1 अगस्त 1978 को दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हुई। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।